ई नाम रजिस्ट्रेशन, ई नाम ऑनलाइन किसान पंजीकरण। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किसान को अपने फसलों को लेकर होने वाली समस्या जो होती है किसान को, तो उससे सुलझने के लिए ई नाम रजिस्ट्रेशन को प्रधानमंत्री निकाले हैं। और इस ई नाम पोर्टल के माध्यम से देश के किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन जाकर बेच सकते हैं कहीं भी। ई नाम रजिस्ट्रेशन के लाभ, इसके लाभ क्या क्या हैं? पहला है, इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देश के किसान ऑनलाइन आवेदन करके अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो इसमें इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसान ऑनलाइन अपना बेच सकते हैं फसल और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, इस योजना के जरिए देश के किसान को अधिकतम लाभ प्रदान करना होगा। तो इस योजना के जरिए किसान को अधिकतम लाभ प्रदान होगा। तीसरा है, अब ये बिचौलिया और अड़तियों का निर्भर नहीं होना होगा। तो ये जो बिचौलिया है, मतलब कि मिडिल मैन, आप डायरेक्ट अगर कस्टमर को बेचते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा प्रॉफिट होता है। वही अगर आपके बीच में अगर कोई बिचौलिया रहता है, मिडिल मैन, आप उनको अपना फसल देते हैं, वो फिर बेचता है, तो वो भी कुछ कमीशन रखता है, तो उसको बोलते हैं बिचौलिया। तो बिचौलिया का भी इसमें काम नहीं रहेगा, आप ऑनलाइन ही डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकते हैं। और सरकार ने अब तक देश की 585 मंडियों को ई नाम के तहत जोड़ा है। तो मंडियों को जोड़ दिया गया है ऑनलाइन इस पोर्टल से। ई नाम रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज, इसके क्या क्या दस्तावेज लगेंगे अगर आप इसको भरने जाते हैं? इस योजना का लाभ देश के केवल किसान भाई ही उठा सकते हैं, केवल किसान लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइए, enam.gov.in। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपका ऐसा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको राइट तरफ ऊपर के यहाँ रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज जो खुलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो आपका यहाँ फॉर्म खुल गया। तो आपसे देखिए यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन का टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन लेवल सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट या फिर APMC। उसके बाद आपसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल मांगा है, आप अपना फुल नेम यहाँ भर दीजिए, अपना यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पर जेंडर, स्टेट, तहसील या सब डिस्ट्रिक्ट, फ़ोटो आईडी का नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई और भी मोबाइल नंबर है तो यहाँ भर सकते हैं, और मेन मोबाइल नंबर जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं उसको यहाँ भरना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, अपना डिस्ट्रिक्ट, फ़ोटो आईडी का टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी, कंपनी का नंबर, लाइसेंस नंबर और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपसे बैंक डिटेल्स पूछा गया, तो बैंक आपका कौन सा बैंक नेम है, कौन सा खाता है, उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, बैंक अकाउंट का नंबर, पासबुक नंबर। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पूछा है, अकाउंट होल्डर नेम किसके नाम पे है, कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको कन्फर्म करना है, आपको अकाउंट नंबर यहाँ देना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना है, फिर IFSC कोड यहाँ जो भरे हैं उसको सेम यहाँ पर भी कन्फर्म करने के लिए भर देना है। उसके बाद आपसे पूछा है, अपलोड कॉपी ऑफ पासबुक एंड कैंसिल चेक इन सपोर्ट, दोनों में से एक चीज़ भर सकते हैं। आप चाहे तो अपने पासबुक का फोटोकॉपी करवा के यहाँ पे अपलोड करना होगा, या फिर आपका कोई चेक है कैंसिल हुआ उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है, अपलोड वन स्कैन कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ का एक स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आप इसका लाभ उठा सकते हैं।